एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ कोरचिट से इयरिंग। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बनाने वाली हूँ इस तरह की बाली। जिसके लिए आपको ऐसा एंकर का धागा चाहिए, ऐसी कान की वो, ये दोनों, ये सब मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसके लिए एक गोल्ड रिंग चाहिए छोटे। ये रिंग जो है आपको जो मिरर रिंग होता है, मिरर लगाने वाला रिंग, उससे आप उसको यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर गोल्डन या फिर सिल्वर कलर का धागे से बढ़ा जाता है, उसको कटिंग करके आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के इस रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से पूरे रिंग में बना देना है। इस पूरे रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना। पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसे फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना। चार चेन बना लें, एक दो तीन चार चेन, तीन चेन स्किप करके चौथे चेन में हम इसे जोड़ देना। एक दो तीन, तीन चेन छोड़ने के बाद चौथे चेन में सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना। फिर से चार चेन, एक दो तीन चार चेन, तीन चेन छोड़ने के बाद चौथे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। इस तरह का चेन बनाते जाना रिंग। फिर से चार चेन, एक दो तीन चार चेन, तीन चेन स्किप करके छोड़ के एक दो तीन चौथे चेन में हमें जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से। चार चेन, एक दो तीन चार, तीन चेन छोड़ने के बाद एक दो तीन चौथे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से चार चेन, एक दो तीन चार चेन, एक दो तीन चेन छोड़ने के बाद चौथे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से चार चेन, एक दो तीन चार चेन, तीन चेन स्किप करके एक दो तीन चौथे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। अब हमें इस लूप के अंदर इसे जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से। अब हर एक लूप के अंदर हमें सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनानी। एक दो तीन चार पाँच छः, सिस्टम डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इसमें दूसरे लूप में इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से उसी नेक्स्ट लूप में हमें सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनानी। एक दो तीन चार पाँच
छः बार डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें इस नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना। देखिए अब फिर से हमें नेक्स्ट लूप में यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोशे बनानी, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना है। इस तरह से इसे पूरा राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बता कि हमारा लास्ट है लूप, इसमें फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना, फिर से एक चेन बनाने के इसे टाइटली टाइट करके इसको कट कर लेना है। अब इस धागे को मैं सुई के मदद से ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें इसे यहाँ पर जोड़ देना। देखिए हमारे कान की बाली जो है तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।